हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि डायंथस में जो है वो फ्लावरिंग, डायंथस कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेड फ्लावरिंग करते हैं। एक स्पेल आता है फ्लावरिंग का, उसमें रोज फ्लावर्स आते रहते हैं। जैसे पिटूनिया है, पिटूनिया में बहुत नंबर में रोज फ्लावर्स आते हैं। डायंथस में पिटूनिया से कंपैरेटिवली कम आते हैं, लेकिन पुराने फ्लावर्स को डेड हेड हम करते रहें तो नए फ्लावर्स आते रहते हैं। आज हम इसमें बात करेंगे कि हम इनमें नए फ्लावर्स को हम इसकी कैसे केयर करें कि नए फ्लावर्स ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आते रहें। तो उसमें पहली चीज़ तो वही कॉमन है जो मैं सब आपको सब पौधों के लिए बताती हूँ कि हर हफ्ते या 10 दिन में इसमें आप लिक्विड खाद देते रहें, जो मैं आपको गोबर की बताती हूँ, या 1 लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच DAP, 1 छोटा चम्मच पोटाश का पाउडर और 1/4 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर मिला के देते रहें। या फिर जो मैं आपको खाद की लिक्विड खाद बनाना बताती हूँ गोबर खाद से, वो आप देते रहें। और उसके साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बोलती रहती हूँ, जिससे आपके नए फ्लावर आने इंड्यूस होंगे, नए फ्लावर आने ज़्यादा आएंगे, वो चीज़ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पुराने जो फ्लावर्स हैं उनको हटाते रहें। अब आप कहेंगे कि पुराने फ्लावर्स को हटाना तो अब हर पौधे के लिए बताते हो, तो डायंथस के लिए अलग से क्यों वीडियो बनाई है? डायंथस की वीडियो मैं अलग से इसलिए बना रही हूँ कि डायंथस में जो डेड हेडिंग करते हैं उसका थोड़ा सा तरीका अलग है। क्योंकि देखिए, अब मैं इसको, अब इनमें सब में मैंने डेड हेडिंग करी हुई है इनमें। अब ये कितने छोटे हो गए हैं पौधे, पहले बड़े बड़े थे। तो डेड हेडिंग जो है इसमें कैसे करनी है, इस पर बात करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर आपके फ्लावर डायंथस में फूल नहीं आ रहे और ऐसा थोड़ा पीला लग रहा है, कुछ है इस ऐसा अगर थोड़ा सा लग रहा है, या वैसे भी आप महीने में एक बार, जब आप मतलब सीजन में एक बार आप कह सकते हो, डायंथस के जो पौधे हैं, जो गमले हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा सा आप चौक का पाउडर दे दीजिए। चौक का पाउडर ये होता है जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले चौक होते हैं ना, आपको स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएंगे, वो चौक ले आइए। और उसको जैसे आप 4-5 लीटर पानी है तो 4-5 चौक उसमें घोल दीजिए और उसका पानी इसमें दीजिए, क्योंकि इसको बेसिक सॉइल अच्छी लगती है। जैसे ही थोड़ी सॉइल की बेसिक कम होने लगती है, एसिडिक होने लगती है, तो इसकी पत्तियां आपको पीली पीली होने दिखने लग जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे इसकी अब हम डेड हेडिंग करें। देखिए, इसमें बताती हूँ मैं आपको, अब डेड हेडिंग हमें कैसे करनी है। जैसे ये देखिए, ये पूरी ब्रांच है ना, अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं, ऐसे काटते हैं, या और इसको मैं ऐसे काट देती हूँ, चलिए डेड हेडिंग होगी। लेकिन ये जो ब्रांच भी खड़ी हुई है, अब इनका कोई यूज़ नहीं है, है ना, ये बेकार पड़ी हैं हमारे लिए। और ये पड़ी रहेंगी तो नीचे से नई पत्तियाँ भी नहीं निकलेंगी, नई पत्तियाँ निकलेंगी, नए स्टेम निकलेंगे, उन पर नए फ्लावर लगेंगे। तो इनको ऐसे अगर मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, ये देखिए, तो ये ऐसे ये पौधे में ऐसे ठूंठ से खड़े रहेंगे और इनमें से कभी कोई फ्लावर नहीं आएगा, और बस ये डंडियां सी हुई, ये देखिए ऐसी डंडियां सी खड़ी रहेंगी पौधे में, ये देखिए ऐसे ये खड़ी रहेंगी और इनका कोई यूज नहीं है। ये वाले तो मैं फ्लावर ऐसे हटा देती हूँ, चलिए आपको क्लियर दिखे इसलिए ये वाले यूं हटाते हैं। अब ये डंडियां यूं खड़ी हैं, इन डंडियों में से नया फूल नहीं आएगा, ये ऐसे खड़ी रहेंगी, एनर्जी लेती रहेंगी, आपका पौधा बेकार पड़ा रहेगा। इनको हमें कैसे हटाना है, इनको हमें ऐसे नीचे से हटाना है, ऐसे ये हमने हटा दी। अब क्या है, नीचे से नई पत्तियां निकलेंगी, ये वाली है, इसको हमने यहाँ से हटाया, इसको देखिए हमने यहाँ से हटाया, है ना, और नीचे से यहाँ से भी हटा सकती हूँ ऐसे, इसको देखिए, इसको देखिए, अब आप ये दिखाना नहीं है, यहाँ से इसको मैं यहाँ से काटूंगी, क्योंकि यहाँ से देखिए आप ये नई पत्तियाँ निकल रही हैं, ये नई ग्रोथ निकल रही है,
ये देखिए है ना, तो इसको मैं यहाँ से काटूंगी और इसमें कोई नई ग्रोथ नहीं दिख रही, इसको मैं नीचे से काटूंगी। ये वाली है, इसको मैं यहाँ से काटूंगी क्योंकि नहीं, इसको भी यहाँ से, इसको मैं नीचे से काट सकती हूँ क्योंकि मुझे कोई नई ग्रोथ नहीं दिख रही। और देखो आप, उसको अगर मैं नीचे से जहाँ से यहाँ से अगर मैं काटूंगी तो यहाँ से काटा है इसको मैंने, तो यहाँ से नई ग्रोथ निकलेगी। जहाँ मेरी सीजर्स का पॉइंट, इसमें आप देखो साथ वाले में आपको दिखाती हूँ, ये इसको मैं यहाँ से काटूंगी, दिख रहा है आपको? क्यों काटूंगी? क्योंकि यहाँ से नई ग्रोथ निकल रही है। तो ऐसे ही जब हम इनको नीचे से काटेंगे, ये देखिए आपको मैं एक और दिखा, इसकी पत्ती हटा के, ये देखिए इसको मैंने नीचे से काटा है, ये वाले को देखिए, इसके आसपास नई ग्रोथ निकल रही है। अगर मैं इनको यूं ही खड़ा रहने दूंगी तो नीचे से जो नई ग्रोथ निकल रही है, ये फालतू में एनर्जी, देखिए कितना कचरा निकला है, ये फालतू में एनर्जी लेते रहेंगे और आपके पौधे की नई ग्रोथ नहीं होगी और नए जो फूल निकलेंगे वो नई ग्रोथ पर ही निकलेंगे, इन ये जो खड़े हुए ठूंठ स्टेम्स हैं इन पे नहीं निकलेंगे। तो डायंथस की इसीलिए मैंने स्पेशली आपको डेड हेडिंग बताई है कि उसको, अब आपको लग रहा है देखिए कितना भरा भरा हुआ पौधा था, कितना हल्का हो गया। ऐसा करने के बाद हमें क्या, और ये जो नीचे पत्तियां हैं जमीन पे अड़ रही हैं, इनको हटा देंगे आप। जमीन पे लग रही हैं पुरानी पत्तियां क्योंकि ये फंगस को कैच करती हैं, ये देखिए इसको हटा दिया हमने। अब आप देख रहे हैं नीचे से, देखिए कितनी ग्रोथ्स निकल रही हैं, ये बड़ी होंगी और इनमें लगेंगी, ये देखिए ये बड़ी होंगी और इनमें फूल लगेंगे। अब हमें क्या करना है कि इस मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई करनी है ऐसे, ऐसा करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी में आपको ऐसे गुड़ाई करनी है, और ऐसा करने के बाद गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद जिस दिन आप अच्छी सी ऐसे करें, उसके बाद अब हम इसमें क्या है, या तो आप थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो, इसमें इतनी सी वर्मी कंपोस्ट और बोन मिल बराबर इक्वल क्वांटिटी में इतनी इतनी लेके इसके चारों तरफ आप डाल दें, और साथ में कोई भी फंजीसाइड पाउडर डाल दें, चौथाई चम्मच कोई भी फंजीसाइड पाउडर डाल दें। और एक काम और करें, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ कि सीजन में एक बार इसमें चौक का पाउडर डाल दें, वो मैंने पानी बनाना बताया था। और जब आप वर्मी कंपोस्ट, इतनी सी बोन मिल, चौथाई चम्मच कोई भी फंजीसाइड पाउडर और थोड़ा सा चौथाई या आधा चम्मच आप चौक का पाउडर जो है इसके चारों तरफ स्प्रिंकल कर दें, यहाँ पे चारों तरफ आधा चम्मच भी कर, आधा चाय का चम्मच कर दें तो अच्छा है, चौथाई को फैलाना ही मुश्किल हो जाएगा। आधा चाय का चम्मच चौक, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो वाले चौक का पाउडर जो है वो आधा चम्मच वो भी डाल दें, क्योंकि इसको बेसिक मीडियम पसंद है, जितना थोड़ी बेसिक होगी सॉइल अच्छे फ्लावर्स आएंगे, ग्रोथ अच्छी होगी। और क्योंकि अगर बेसिक मीडियम नहीं हुआ सॉइल का तो ये जो है इसके जो हम खाद डालेंगे इसकी जड़ें उस खाद को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, इसकी जड़ों में ये अडॉप्टेबिलिटी है कि इसकी मतलब जड़ें जो है ना वो इस, ये ऐसे अडेप्टेड है कि वो सिर्फ बेसिक मीडियम में ही न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। जैसे एसिड सॉइल लविंग पौधे होते हैं उनकी जड़ें में ये अडेप्टेबिलिटी होती है कि वो एसिडिक जब तक सॉइल नहीं होगी तब तक वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए पौधे जो हैं वो सॉइल, जैसे इसको बेसिक सॉइल चाहिए तो बेसिक नहीं होगी तो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। आप कितनी भी खाद दो पौधा पीला पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसको जैसी सॉइल चाहिए जो पीएच वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमें वो वाला पीएच देने के लिए इसमें चौक का पाउडर डालना है, आधा चम्मच चौक का पाउडर, 9 इंची पौधे के बारे में बता रही हूँ मैं, वो कर दें आप। और उसके बाद तो आप 10 दिन बाद लिक्विड खाद तो हम देते ही रहते हैं, तो ये आप अच्छी तरह से जो है वो
डेड हेडिंग करके ऐसे कर सकते हैं। और छोटी छोटी डेड हेडिंग, जैसे एक स्टॉक आपको दिख रहा है उसको आप साथ के साथ भी करते रहें। अगर ज़्यादा दिन बाद, जैसे मेरा ये पौधे में एक साथ इतने हो गए थे, वो हो गए हैं, तो फिर ऐसे करना है। और फिर नहीं तो इसके बाद अब कभी मुझे जैसे ये है, ये है, ये है स्टॉक, इनको साथ साथ थोड़ा थोड़ा हटाती रहूँगी। और फुल धूप में रखना है आपको इसको। तो बस फ्रेंड्स, आपको ऐसा लग रहा होगा कैसा हो गया पौधा, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर ये रीब्लूमिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आप इसकी डेड हेडिंग नहीं करेंगे तो आपका पौधा ऐसे ही धीरे धीरे मर जाएगा, फिर उसमें रीब्लूमिंग नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लियो को भी देखिए, पेंजी भी आपको बाय कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। लियो भी देखो, निकी बदमाशी कर रहा है। लियो बेबी, ऊपर देखो बेटा, अल्ले मिला बेटा, ऊ मिला बेटा, ऊ मिला बेटा।